हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, रेडी फॉर टुडेज वर्क? टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक आ की मात्रा के शब्द। यस बेटा, आज फिर हम आ की मात्रा के कुछ नए शब्द पढ़ेंगे और लिखेंगे। और नए शब्द पढ़ने से पहले हमें क्या करना होता है, जो हम पहले लिख चुके हैं उनको हमें रीड करना होता है। तो चलिए पहले हम जो हमने पहले राइट किए थे, इससे पहले वाली कक्षा में राइट किए थे, उनको एक बार रीड करते हैं और फिर कुछ नए शब्द लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पहला शब्द है हमारा, ये क्या है? ब नहीं, हम क्या स्पीक करेंगे इसको? बा, बा ल क बालक, पा ल क पालक, चालक चालक, पायल पायल, घायल घायल। नेक्स्ट, चावल चावल, राजन गाजर। अब देखिए यहाँ पर, अब तक हमने जो रीड किए शब्द उनमें क्या था, जो पहला वर्ण था उनके साथ आ की मात्रा थी, लेकिन अब की बार हमारी जो आ की मात्रा है वो कहाँ पर है, जो बीच में वर्ण है उसके साथ। तो हमें आ की मात्रा उसी के साथ स्पीक करनी है बेटे, जिसके साथ, जिस वर्ण के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। तो क्या है ये? ज वा, व नहीं वा, ज वा न जवान, मकान मकान। तो ये थे हमारे पहली कक्षा की रीडिंग और अब हम कुछ नए शब्द लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नए शब्द लिखने। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? डेट 17 अगस्त, सोमवार। हेडिंग है आ की मात्रा के शब्द। क्या है? आ की मात्रा के शब्द। तो सबसे पहला हमारा शब्द है बेटे पकवान। आज हम जो शब्द राइट करने जा रहे हैं उसमें आ की मात्रा है और वर्ण है हमारे चार। तो चार वर्णों में जहाँ पर जिस वर्ण के साथ आ की मात्रा है हमें बिल्कुल ध्यान से रीड करना है, उसी वर्ण के साथ आ की मात्रा लगानी है जिसके साथ हम स्पीक कर रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है, तो हम ध्यान से स्पीक करेंगे तो ध्यान से मात्रा लगा सकते हैं। तो हमारा वर्ड है पकवान। प, प, पा नहीं बोला हमने, तो पा नहीं, प, ओनली प, क, पकवान, प, क। बेटा स्पीक नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ पर हमें सिंगल वर्ण राइट करना है और कहाँ पर हमें मात्रा लगानी है। प, क, वा, वा, व नहीं वा, प, क, वा, न, पकवान। अब देखिए इनमें आ की मात्रा कहाँ पर है? वा, हमने स्पीक किया था वा, पकवान वा। तो वा किया था, वा बनाने के लिए हमने क्या लगाया? आ की मात्रा। तो चार वर्णों में किसके साथ आ की मात्रा लगी? व के साथ, और हमने स्पीक भी व के साथ ही किया था। तो ये हमें रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है और जितना हम स्पीक करेंगे हम मात्रा भी बिल्कुल उतनी सही लगाएंगे। नेक्स्ट है सरकार। सर, स, सर, र, स के बाद र, सर कार, सर कार, का, क नहीं का, ये हमारा का है नहीं, ये केवल क है, का बनाने के लिए आ की मात्रा, सर का, ये तो सर का, सर का बन गया, लेकिन हमें लिखना है सरकार र। तो हमारा सबसे लास्ट में है वर्ण र, सरकार, 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 क्या बन गया? सरकार। इसी तरह से बेटे बार बार में रीडिंग करनी है, हमें स्पीक करना है। नेक्स्ट वर्ड है भगवान। क्या है? भगवान, भ, ग, भ, भ, ओनली भ, भा नहीं, भ, ग, वा, वा, भ, ग,
वान, नॉट वर्क, वा, भगवान, 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 वा मीन्स व के साथ आ की मात्रा, भगवान, भगवान। नेक्स्ट है समाचार, अब ध्यान से स्पीक करना है हमें, समा, स, मा, स के बाद हमारी है मा, नॉट म, मा, तो हमें केवल स, मा, मा राइट करना है, म राइट नहीं करना। ये बन गया मा, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाई। समा चार, समा चार, चा, चा, स, मा, चा, र, समाचार। तो देखिए अब ये हमारे चार वर्ण थे और हमारी आ की मात्रा जो है दो वर्णों के साथ हमने स्पीक की है, तो हम आ की मात्रा भी दो वर्णों के साथ ही लगाएंगे। स, मा, मा मीन्स म के साथ आ की मात्रा, समाचार, चा, चार, चा, चा मीन्स आ की मात्रा, च के साथ भी, र ओनली, ओनली र, समाचार, समाचार। नेक्स्ट है हमारा टमाटर, ट, टमा, ट, मा, मा, तो म नहीं, मा, टमा, ट, ओनली ट, टमाटर, टमाटर, ट ओनली, टा नहीं, ट, टमा, ट, र, टमाटर, क्या है, टमाटर। अब देखिए इस शब्द में हमने जो इससे पहले वाला शब्द लिखा उसमें दो वर्णों के साथ आ की मात्रा है, लेकिन अब हमने जो शब्द लिखा है उसमें एक वर्ण के साथ आ की मात्रा, ओनली वन टाइम, तो हम वन टाइम ही लगाएंगे। नाउ आर वन लाइन इज कंप्लीट, वन मोर टाइम वी शुड रीड, पकवान, पकवान, सरकार, सरकार, भगवान, भगवान, समाचार, समाचार, टमाटर, टमाटर। नाउ वी विल राइट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में पहला वर्ड है हमारा हवादार, ह, ह, वा, व नहीं, वा, ये ध्यान रखना बेटे हमने कि अगर हम आ की मात्रा के साथ स्पीक करेंगे तो आ की मात्रा उसके साथ लगाएंगे। हवा दार, दा, नॉट ओनली द, दा की साउंड है तो हम क्या लिखेंगे, दा ही राइट करेंगे, हवा दार, हवादार। नेक्स्ट है मालदार, माल, माँ। अब देखो आप ध्यान से, अब तक हमने जो शब्द राइट किए थे उनमें सबसे पहले वर्ण के साथ आ की मात्रा नहीं है क्योंकि हमने स्पीक ही नहीं की थी, लेकिन अब हम जो स्पीक कर रहे हैं वो है माल, माँ, तो माँ बोला तो माँ राइट करेंगे और माँ, माँ बनाने के लिए आ की मात्रा लगाएंगे, माँ, ल, दा। अब ल के साथ हमने ला नहीं स्पीक किया तो ल के साथ आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम फिर से आ की मात्रा स्पीक कर रहे हैं दार, दा, तो आ की मात्रा लगा देंगे, दा, र, मा, ल, दा, र, मालदार, मालदार। नेक्स्ट है शानदार, शान, शा, शा, न, शान, शान ओनली, ओनली न, शानदार, दा, र, शानदार, तो दो वर्णों के साथ आ की मात्रा स्पीक करी तो दो वर्णों के साथ आ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है जानदार, जा, ज नहीं, जा, जा, न, दा, दा, र, जानदार।
नेक्स्ट है सरदार, स र दा र सरदार। अब देखो हमने ये चार वर्ण राइट किए हैं और चारों वर्णों में दो वर्णों के साथ हर शब्द में सॉरी चारों शब्दों में हमने दो वर्णों के साथ आ की मात्रा स्पीक की, दो वर्णों के साथ आ की मात्रा लगाई, लेकिन लास्ट में हमने जो शब्द राइट किया है उसमें एक ही वर्ण के साथ आ की मात्रा है, तो एक ही वर्ण के साथ हम आ की मात्रा लगाएंगे। तो बेटा आप जितने ध्यान से स्पीक करेंगे उतना ही बिल्कुल सही राइट करेंगे, और अगर बार बार में स्पीक नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आ की मात्रा कहाँ लगानी है। तो हमारा मेन है बार बार में स्पीक करना, स्पीक करना। एक वर्ण राइट किया, स्पीक किया, नेक्स्ट वर्ण हमें जो करना है वो स्पीक करना है। ठीक है, वन मोर टाइम रीड। हवादार, हवादार। मालदार, मालदार। शानदार, जानदार। सरदार। ऐसे ही बेटे आपको भी रीड करना है और फिर राइट करना है। रीडिंग आपको कम से कम 5 times, और 5 times की रीडिंग करके आप मैम के साथ अपनी वीडियो सेंड करेंगे और फिर अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी राइटिंग का पेज मैम के साथ शेयर करेंगे। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।